नशे में धुत वो शख्स एटीएम की केबिन में दाखिल हुआ। इरादे एटीएम को तोड़कर उसमें रखे पैसों पर हाथ साफ करने का था। इस मंसूबे में वो कामयाब होने ही वाला था, मगर तभी एक आवाज आती है। 1600 किलोमीटर दूर कोई और उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था, और जैसी वो आवाज आई, एटीएम में सेंध लगाने की साजिश कर रहा वो शातिर हक्का बक्का हो गया। उस एटीएम को 1600 किलोमीटर दूर बैठे एक अनजान शख्स ने बचाया, और इसके साथ ही तीसरी आंख की मदद से 1600 किलोमीटर दूर बैठे एक शख्स ने एटीएम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे उस शातिर को कैसे सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद की, और उस चोर की एक एक हरकत पर कौन नजर रख रहा था, एटीएम में सेंध मार रहे उस शातिर को किस तरह सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। एक हजार छह सौ किलोमीटर दूर से रखी नजर, कैमरे में कैद चोर की एक एक करतूत, कैमरे से आई आवाज, करतूत का पर्दाफाश। एटीएम में क्या काम है तुम्हारा? एटीएम में सेंध मारी की साजिश हुई नाकाम। नशेबाज चोर की वारदात का खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में बेशर्मी से एक एक कदम बढ़ा रहे शख्स को गौर से देखिए। एटीएम को तोड़कर रातों रात मालामाल होने के इनके मंसूबे नाकाम रहे, नहीं तो आज शायद करोड़ों में खेल रहे होते। मशीन भी बस खुल ही गई थी, मगर तभी किसी ने टोक दिया। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर एटीएम को काट कर उसमें चोरी करने का प्रयास कर रहा था। लगभग कई मिनट तक ये आरोपी उस एटीएम में मौजूद था और एटीएम से छेड़छाड़ कर रहा था, एटीएम में चोरी करने का लगातार प्रयास कर रहा था। लेकिन मुंबई से हेडक्वार्टर से फोन आया कि तुम वहां पे क्या कर रहे हो, और मुंबई हेडक्वार्टर से ही शाहपुर थाने को अलर्ट एक आया कि आपके क्षेत्र में एटीएम में चोरी हो रही है। विकास प्रताप सिंह की करतूत को समझना है तो चंद रोज पीछे चलते हैं। पांच नवंबर की सुबह 4:30 बजे के करीब गोरखपुर के शाहपुर इलाके में लगे एटीएम केबिन के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मशीन की तरफ ये शख्स बढ़ता है। हाव भाव और चाल ढाल ये साफ साफ कह रही थी कि जनाब अपने होशो हवास में नहीं है। पहले तो पैसे निकालने के लिए एटीएम के कुछ बटन दबाए, नाकाम रहे तो लो सील ही तोड़ दी। एटीएम का अलार्म बज उठा, मगर फिर भी दिल में डर नहीं था। तभी एक कैबिन में लगे स्पीकर से आती आवाज चोरी की वारदात में खलल डाल देती है। आवाज कहां से आ रही है ये जांचने के लिए एटीएम के पीछे ताक झांक भी की, मगर जिस आवाज की तलाश ये चोर पूरे केबिन में कर रहा था वो 1600 किलोमीटर दूर से आ रही थी। देखिए, दिनांक 5 तारीख को प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में थाना शाहपुर की पुलिस को एक अलर्ट फोन आया, जो कि एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर से था, कि और शाहपुर थाना क्षेत्र में ही उनके ही एक एटीएम में कोई व्यक्ति द्वारा घुस करके उसमें चोरी का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सीसीटीवी के माध्यम से हेडक्वार्टर तक उसके अलर्ट पहुंचा है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जिसको देखकर कि वो व्यक्ति वहां से फरार हो गया, वो किसी भी प्रकार की कोई चोरी वहां पर नहीं कर पाया। चोरी की इस पूरी करतूत पर मुंबई से बैंक के हेडक्वार्टर में बैठे लोग नजर रखे हुए थे। चोरी कर रहा ये शख्स एटीएम मशीन में लगे स्पीकर से आ रही आवाज को सुनता है तो घबरा जाता है। इससे पहले कि पुलिस मौका वारदात पर पहुंच पाती, चोर तो मौके से निकल गया,
मगर उसकी हरकत कैबिन में लगे कैमरे में कैद जरूर हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह आरोपी गिरफ्तार हुआ। पकड़ा गया आरोपी बीबीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी वो शाहपुर थाना क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रह रहा था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसको गिरफ्तार कर इसे जेल भेज दिया। लेकिन इन सब के बीच जब वो एटीएम में छेड़छाड़ कर रहा था तभी मुंबई से हेडक्वार्टर से फोन आया कि तुम एटीएम में क्या कर रहे हो। उसी रात एटीएम से भागने में कामयाब रहा वो चोर। क्या कर रहे हो? एटीएम में क्या काम है तुम्हारा? क्यों छोड़ रही हो एटीएम? कहाँ जा रहे हो अभी? एटीएम तोड़ने के 5 रोज बाद पुलिस की पकड़ में आ गया। तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित बैंक के कर्मियों द्वारा थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। फुटेज के आधार पर और बाकी स्थानीय अभिसूचना के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान हुई, जिसका की नाम विकास प्रताप सिंह, जो कि थाना शाहपुर का ही रहने वाला है। पहचान होने के उपरांत एक टीम बना करके इसको कल दिनांक 10/11/2022 को इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके संबंधित मुकदमे में इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एटीएम की साइड में लगी सील को उसने तोड़ ही दिया था। चोरी के अपने मंसूबे में वो करीब करीब कामयाब भी हो गया था, लेकिन 1600 किलोमीटर दूर से आई कागज पूरे खेल को खराब कर गई। अब ये जनाब सलाखों के पीछे हैं, शायद यही सोच रहे होंगे कि किस सोच से एटीएम में घुसे। पांच तारीख की इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया किस तरीके से एक व्यक्ति एटीएम में लगभग कई मिनट तक बिताता है और उसमें चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन मुंबई से जब हेडक्वार्टर से फोन आता है तब जाके वो दबोपा वहां से वापस हो जाता है। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि इस पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसको पुलिस ने इसी को आधार बनाकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। कानपुर देहात में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया। पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उस शख्स को चरस के कारोबार के लिए सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। अपनी इस कार्रवाई पर पुलिस की टीम अपनी पीठ थपथपाती रही, मगर फिर एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है और चंद सेकंड की उस वीडियो ने पुलिस की हर कार्रवाई को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दस्तावेजों में पुलिस ने जिस शख्स को झाड़ियों से गिरफ्तार दिखाया उसको टेम्पो स्टैंड से उठाया जा रहा था। बस वो एक वीडियो सामने आने के साथ ही कानपुर देहात जिले की पुलिस अचानक कई सवालों में घिरी हुई थी। क्या है उस वीडियो का राज? क्यों पुलिस की तरफ से उठ रही है सवालों की उंगलियां? सब कुछ उस शख्स की बहन ने साफ साफ बयां किया। रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के एक्शन पर उठे सवाल, गिरफ्तारी को लेकर कटघरे में खाकी, युवक को झूठे केस में फंसाने का आरोप, चंद सेकंड की वीडियो से सामने आई सच्चाई, एक बहन के सवालों में घिर गई पुलिस। कानपुर देहात में एसपी के दफ्तर के बाहर अपने भाई की रिहाई की उम्मीद के साथ ये लड़की खड़ी हुई है और सवालों के घेरे में खड़ा किया है उसी पुलिस को, जिसका काम आवाम की हिफाजत करना होता है। मगर हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने वाली पुलिस आज खुद कटघरे में है। पुलिस पर ये सवाल कब उठने शुरू हुए ये भी समझिए। 10/11/2022 को मुखबिर खास के सूचना पे गौरी रोड के सामने थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से थाना मंगलपुर की टीम के द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम सुल्तान सिंह सना रमेश चंद निवासी मुंडेरा किन्नौर सिंह को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ एनडीपीएक्स एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जिला कारागार जिला न्यायालय माती भेजा जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बारे में सीओ साहब ने तो सब कुछ साफ साफ बता दिया। चरस के साथ पकड़े गए एक शख्स पर कार्रवाई के दस्तावेज तैयार हैं,
दावा है कि शहरी इलाके के बाहर झाड़ियों के बीच से चरस के एक तस्कर को अरेस्ट किया गया, मगर सीओ रविकांत गौड़ की कही ये बात अभी अधूरी है। ये बोल रहे थे हम झाड़ियों से लेके आए हैं, गौरी मतलब गांव जिंजा के पास गौरी पड़ता है, वहीं से बोल रहे थे हम लेके आए हैं। तो FIR में भी वही लिखा? हाँ हाँ वही लिखा है। और आपको CCTV फुटेज कहाँ से मिली? हमको CCTV फुटेज टेम्पो स्टैंड से मिली है। अच्छा, तो जिस वक्त की घटना पुलिस बता रही है उस वक्त आपके भाई कहाँ थे? टेम्पो स्टैंड पे। बकौल पुलिस, जिस शख्स की गिरफ्तारी झाड़ियों से की गई उसको अपने साथ ले जाती पुलिस का एक वीडियो लेकर उसकी बहन आज SP ऑफिस के बाहर खड़ी है। जुबान पर अपने भाई को बचाने की गुहार है और दावा है कि उसके भाई को टेम्पो स्टैंड से जबरदस्ती उठाया गया। पुलिस की वो कार्रवाई और सुल्तान की बहन के दावे इस वीडियो में कैद है, जिसमे ऑटो स्टैंड से एक शख्स को अपने साथ लेकर जाते पुलिस वाले नजर आते हैं। चंद सेकंड का ये वीडियो चरस के साथ अरेस्ट की कहानी पर एक तमाचे की तरह है। बस इतने साहब बोलने आए हैं कि मतलब पुलिस लोग बोल रहे थे साहब कि मतलब इनको मैंने वो चरस के मतलब वैसे बरामद किया, इनके साथ में है जो लोग दिखा रहे हैं, जो मतलब इन लोगों लेके गए हैं बस स्टैंड से लेके गए हैं, टेम्पो स्टैंड से लेके आए हैं, तब मतलब मेरे पास वीडियो भी हम दिखा भी सकते हैं। शिवानी ने जिस वीडियो का जिक्र किया है वो आपकी नजरों के सामने है। उस वीडियो में ये साफ दिखता है कि पुलिस के एक्शन पर सवाल उठने लाजमी है। FIR में जिस शख्स की गिरफ्तारी आबादी से दूर झाड़ियों में दिखाई गई, उसको ऑटो स्टैंड से ले जाते हुए पुलिस वाले नजर आते हैं। बस यही एक वीडियो अब पुलिस के एक्शन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। हमें तो फर्जी मतलब लग रही है कि फर्जी से लगा दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पर किससे मिलने आए हैं? SP साहब से मिलने आए हैं। तो उनसे मिलकर क्या बात रखना चाह रहे हैं? मतलब बस इतना ही बोलेंगे कि मतलब ये लोग किसकी मतलब फर्जी में ये चरस गांजे लगा रहे हैं ये सब। तो अपने भाई तुम्हारे भाई फर्जी जेल भेजा? हाँ फर्जी भेजा गया है। पुलिस के दावे पर सुल्तान की बहन ने तमाम सवाल उठाए हैं। एक बहन की जुबान पुलिस के एक्शन की पोल खोल रही है। चंद सेकंड का वो वीडियो पुलिस की कार्रवाई को शक के घेरे में खड़ा कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद एक तरफ पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ वो बहन SP ऑफिस के सामने खाकी पर सवाल उठा रही है। मगर सच क्या है ये पूरा जांच के बाद ही पता लगेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर देहात से दीप त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। वह बुजुर्ग महिला अपने झोपड़ी में सो रही थी मगर कोई उस महिला की जान का दुश्मन था। रातों रात उस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। लपटों की चपेट में आने के बाद वो महिला अपने झोपड़ी के अंदर ही झुलसकर दम तोड़ देती है। पीछे बचा राख का ढेर जो इस बात का जीता जागता गवाह है। रातों रात एक झोपड़ी उस महिला की कब्रगाह बन गई। जुर्म को इस कदर भयानक तरीके से अंजाम दिया गया जिसको देखकर भी रूह कांप उठे। लपटों की चपेट में आकर उस महिला का जिस्म रातों रात राख के ढेर में तब्दील हो गया। अमरोहा के उस अग्निकांड का सिया सच कितना खौफनाक होगा सोचिए, उतना ही संगीन भी। रिपोर्ट देखिए। सिया रात में संगीन जुर्म, घर के साथ महिला को जलाया, लपटों में जलकर राख हुआ मकान, झुलसकर महिला ने तोड़ा दम, मकान बना महिला की कब्रगाह। सिया रात में राख के ढेर पर बैठे ये लोग एक संगीन जुर्म के बाद सहमे हुए हैं। रातों रात उस घर को जलाकर भस्म कर दिया गया। उस मकान के साथ साथ एक महिला को आग के हवाले कर दिया गया। लपटों में घिरी वो औरत चीख चीख कर दम तोड़ देती है। इसी राख के ढेर में उसकी आवाज दफन होकर रह जाती है और लोगों को जब तक इस जुर्म की खबर मिलती है उस महिला का जिस्म राख में तब्दील हो चुका होता है। सर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल आग लगी मिली है मुझे, बुढ़िया इसी में पड़ी है, जल गई। जब मैं आया फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर आगे देखिए तो उसमें क्या होगा। किस समय का मामला है? जैसी है 4 बजे के आसपास, 4:45 हो 4 बजे। क्या लग रहा है, कैसे आग लगी? अब हम मौके पे थे नहीं।
साथ साथ महिला को जलाकर खाक करने वाले ने अपने इन खूनी मंसूबों को 10 और 11 नवंबर के दरमियानी रात सच साबित कर दिया। उस रात 55 साल की बुजुर्ग महिला अपनी झोपड़ी में अकेले सोई हुई थी। उसका पति अपने बेटे के साथ खेतों में काम के सिलसिले में गया हुआ था। सुबह करीब 4 बजे जब वो लोग घर की तरफ वापस लौटे तो घर को धू धू कर जलते हुए देखा। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग झोपड़ी की तरफ भागे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जी हम तो काम पे तीनों बाबू बेटे, हमें नहीं पता किसने लगाई किसने न लगाई। अरे ये 3:30 बजे के आसपास के आग लगी हुई है। ये ड्यूटी पे आए जब पता लगी, एक पड़ोसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ आग लग गई। तो हम तो काम पे से जब आए। काम कहाँ करते हैं? कोलू पे। तो मतलब लाइट से लगी क्या है? ना लाइट का कोई कनेक्शन ना है। अब देखो बगैर देखे किसको कह सकते हैं हम। अपनी झोपड़ी के अंदर ही मंगिया देवी आग की लपटों में जलकर खाक हो गई। जब तक लोगों को वारदात के बारे में पता चला उसका जिस्म राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। मकान की जगह सिर्फ एक मैदान बचा था। जिस पर आग की चपेट में आकर जमीन स्याह हो चुकी थी। रातों रात इस जुर्म की खबर पूरे शहर में फैल गई। बात जब इलाके के विधायक तक पहुंची तो परिवार का साथ निभाने के लिए विधायक मौके पर पहुंचे। सूचना मिली जब कि आग लगी है और आग लगने के बाद वो लगभग 50% जल चुकी है और उनकी मौत हो गई है। हम सब मौके पर इस समय कोतवाल साहब भी हैं, उनका पूरा स्टाफ है, सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हैं। इसमें जांच कर रहे हैं किन कारणों ये आग लगी है और इनके पोस्टमार्टम को भेज रहे हैं। उसमें जांच कराई जाएगी पूरी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि घटना बड़ी है। ऐसा इस तरह का नहीं लग रहा कोई, जिसमें बिजली नहीं है कुछ नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा कारण रहा जिसमें के कारण ये घर में आग लगी है और आग लगने के कारण इनकी जान गई है। संदिग्ध हालत में उस झोपड़ी के अंदर आग लगी। चार दीवारियों के भीतर उस महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घर वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वारदात के पीछे किसका हाथ हो सकता है। पूरे गांव में घर वाले की किसी से दुश्मनी नहीं मगर मकान में खुद ब खुद आग नहीं लग सकती। शक यही है कि इस आगजनी की घटना के पीछे किसी का हाथ जरूर होगा। करणपुर खाल गांव का एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें झोपड़ी में आग लगने से एक महिला की मृत्यु की खबर है। परिवार से तहरीर ले ली गई है। परिवार ने किसी के ऊपर भी रंजिश का कोई आरोप नहीं लगाया है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा आग का लगाया जाना अभी तक प्रकाश में आया है। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अमरोहा के उस छोटी सी गांव का वो मकान आज राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। आग लगने के बाद से स्याह हो चुकी जमीन पर जुर्म के निशा जा बजा है। कफन में लिपटी हुई महिला की लाश इस बात की गवाह है कि घर को जलाकर राख के ढेर में बदलने वाले उसके गुनाहगार रातों रात एक महिला की जान ले गई। फिलहाल मौकाए वारदात पर मौजूद पुलिस जुर्म की तहकीकात कर रही है, लेकिन जिस संगदिली से रातों रात महिला को जलाकर मार डाला गया, अमरोहा के हसनपुर में रहने वाला हर बाशिंदा उसके बाद से सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मंजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और क्राइम कंट्रोल में बस इतना ही, बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।